आज का जो फोरकास्ट दिया गया है गुजरात रीजन के लिए, जो साउदर्न गुजरात रीजन है, इसमें आइसोलेटेड जगह में बारिश लाइक टू मॉडरेट होने का संभावना है। इसमें थंडरस्टॉर्म भी हो सकता है। और जो सौराष्ट्र कच्छ के लिए साउदर्न डिस्ट्रिक्ट, वहाँ भी थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होने का संभावना है। उसमें कच्छ डिस्ट्रिक्ट भी इंक्लूडेड है। और जो डिस्ट्रिक्ट इसमें आ रहा है, इसमें मेनली आ रहा है जो नॉर्दर्न जो गुजरात रीजन है, दाहोद, पंचमहल, और उसका जो साउदर्न, उसका साउदर्न डिस्ट्रिक्ट जैसा छोटाउदयपुर, बड़ोदरा, बड़ोदा, फिर सूरत, भरूच, नर्मदा, तापी, दांग, नवसरी, बलसाट और दमन दीव, इसमें लाइक टू मॉडरेट बारिश होने का संभावना है थंडरस्टॉर्म के साथ। और इधर जो सौराष्ट्र कच्छ में जो डिस्ट्रिक्ट इसमें आ रहा है, राजकोट, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ का जो डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ भी इंक्लूडेड है, और आपका पोरबंदर और देवभूमि द्वारका। सर कारण क्या है इसमें? कारण थंडरस्टॉर्म, मेनली थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, हीटिंग हो रहा है, हीटिंग का, और मॉइस्चर भी है। अच्छा, कोई सिस्टम है सर अभी? अभी तो ऐसा कोई यहाँ गुजरात के लिए कोई रेस्पॉन्सिबल सिस्टम नहीं है। सर अहमदाबाद में क्या रहेगा? अहमदाबाद में पार्टली क्लाउडी रहने का संभावना है। okay. और जो टेम्परेचर है 30, मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री के आसपास है। अच्छा, इसमें जो टेम्परेचर अभी नॉर्मल से 1.5 डिग्री ज़्यादा, 4.5 डिग्री ज़्यादा है जो मिनिमम टेम्परेचर, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर 1.59 डिग्री नॉर्मल से ज़्यादा है।